इटली में मजहबी अकलियतों की तरक्की से मुल्कों की तरक्की है कि इनवान से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में सियासी, समाजी और मजहबी नुमाइंदों समेत इंटरनेशनल इंसानी हमदर्दी की तंजीम सांता जियोदा के सरबराह वॉइस प्राइम मिनिस्टर इटली और इटालियन कौंसल जनरल कराची जियोर दानीला, इटालियन काबीना के अहम रुकन दावेदे दयोंसी, इंद्रिया बनंजे, पायलो फॉर्मेंटिनी, दानीले कंचलेनी, सारा फोमागली, सेनेटर स्टीफानिया पिक्चियारेली, सफीर पाकिस्तान रोम इटली अली जावेद, सरप्रस्त आला एसोसिएशन पाकिस्तान इटली राजा आफ्ताब, खदीजा आफ्ताब, चौधरी जरगाम शमशाद, सैयद अरसलान शाह, एडवोकेट सिंध हाई कोर्ट तबस्सम यूसफ, पाकिस्तान नसाद पॉन्टिफिकल अरबानियाना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुबैन ने खसूसी तौर पर शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद इंटरनेशनल इंसानी हमदर्दी की तंजीम सांता जियोदा और पाकिस्तान नसाद पॉन्टिफिकल अरबानियाना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुबैन ने इटली की गवर्नमेंट के साथ मिलकर किया, जिसमें सफीर पाकिस्तान अली जावेद ने पाकिस्तानी हुकूमत की नुमाइंदगी की, जबकि खिताब में शिरका ने अपने नुक्ता नजर से लोगों को आगाह किया। अपने खिताब में सफीर पाकिस्तान अली जावेद का कहना था कि मजहबी अकलियतों के मसाइल पर गुफ्तगू होनी चाहिए और यही वजह है कि आज हम यहाँ मौजूद हैं।